आप देख रहे हैं TNB। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर कांड में पुलिस ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को शनिवार को तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आशीष को हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में गिरफ्तारी हुई है। वही लखीमपुर कांड पर DIG उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि हम आशीष मिश्रा को कस्टडी में ले रहे हैं। आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद अब उसे कल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले आशीष मिश्रा की डॉक्टरी जांच के लिए डॉक्टरों का पैनल क्राइम ब्रांच बुलाया गया था, जहां आशीष का मेडिकल किया गया। आशीष मिश्रा के वकील ने बताया कि वह आज रात जेल में रहेंगे। सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल में दाखिल किया गया है। पुलिस की गाड़ियों के साथ आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल पहुंचाया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने रात में ही पेश कर आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच एजेंसी की पूछताछ में आशीष से 40 सवाल पूछे गए। इसी बीच SIT के एक सवाल का आशीष जवाब नहीं दे सका। आशीष से पूछा गया कि 3 अक्टूबर को दिन के 2:36 से लेकर 3:30 तक वो कहां था। ऐसे में आशीष ने इसका जवाब नहीं दिया। वहीं कई और भी ऐसे सवाल रहे जिसका जवाब आशीष नहीं दे पाए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा शनिवार को सुबह 10:38 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया था। क्राइम ब्रांच की ओर से 11 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन आशीष समय सीमा खत्म होने से 22 मिनट पहले ही पहुंच गए। खास बात यह रही कि आशीष लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा के विधायक योगेश वर्मा के साथ स्कूटर से क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। स्कूटर योगेश वर्मा ही चला रहे थे। आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे, तब पहले से ही वहां SIT की टीम और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। SDM सदर भी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में थे और मजिस्ट्रेट को भी वहां बुला लिया गया था। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा का कलमबंद बयान दर्ज कराया गया। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा से इधर पूछताछ चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी के BJP दफ्तर पर अजय मिश्रा टेनी के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। BJP कार्यालय आशीष मिश्रा के समर्थन में बड़ी तादाद में समर्थक जुट गए थे। समर्थक लगातार आशीष को निर्दोष बताते हुए नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे में आशीष मिश्रा के समर्थन में नारेबाजी करते समर्थकों को शांत कराने मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बालकनी में आना पड़ा। उन्होंने अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की और कहा कि वो पूछताछ के लिए गया है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने समर्थकों से ये भी कहा कि ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं भी आपके साथ हूँ। बता दें कि तुकुनिया हिंसा मामले में एक और खबर सामने आई है कि जिस थार जीप ने किसानों की जान ली, उस थार का इंश्योरेंस खत्म हो गया था। गाड़ी का इंश्योरेंस 13 जुलाई 2018 से खत्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम पर है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।